अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब करियर से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा नूर व्लॉग्स। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। आप लोग जो है ना मेरे दिए हुए रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलें जी, आज का जो है ना वो हम रिव्यू शेयर करते हैं ब्यूटी चार्म्स की। जो है ना ये वाली है जी हमारे पास, खूबसूरत सा जार है। ये है हमारे पास मिरेकल बॉडी मैनीपेडी वाइटनिंग क्रीम, और इसका जो है ना आज मैंने आपके साथ प्रॉपर रिव्यू शेयर करना है। लेकिन रिव्यू देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़े के व्लॉग्स। और यहाँ पर जी आज मैंने आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू भी शेयर करना है। अच्छा जी, मिरेकल जो है ना बॉडी इन मैनीपैडी वाइटनिंग क्रीम, तो आपने बहुत सारी जो है ना बॉडी वाइटनिंग क्रीम्स देखी होंगी, मैनीपैडी क्रीम्स भी देखी होंगी, लेकिन आपने इस जैसी जो है ना वो मैनीपैडी वाइटनिंग क्रीम नहीं देखी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम है, और ये देखें आपके कितना ज़बरदस्त ना ये जार है। इसकी पैकेजिंग बहुत कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैंने 3 क्रीम्स का जो है ना आपके साथ रिव्यू शेयर करने थे, जिनमें से 2 क्रीम्स के मैं आपके साथ ऑलरेडी रिव्यूज़ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आए हैं। तो फाइनली आज मैंने आपके साथ ब्यूटी चार्म्स मिरेकल बॉडी इन वन मैनीपैडी वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू शेयर करना है। और जिस तरह आपने दूसरे रिव्यूज़ बहुत पसंद किए हैं, इसी तरह मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वाले भी जो है ना रिव्यू बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले हम जी इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं और ये किस चीज़ की गारंटी देते हैं, क्या श्योरिटी होती है, इसको यूज़ कैसे करना है और इसे यूज़ करने के बाद रिज़ल्ट कब मिलेगा, सब आपको बताऊंगी इसी व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है। और आप लोग जो है ना इतने ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलो जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी वन बाय वन आपको बताती हूँ कि इन्होंने कौन कौन से जो है ना इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट दे हैव एडेड इन दिस क्रीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव एडेड इन इट एस्कॉर्बिक एसिड, कोइक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, वाटर, ग्लिसरीन। आगे इसमें है जी ग्लाइकोल फ्रेगनेंस भी है इसमें, ठीक हो गया जी। और इन्होंने साथ में इसकी प्रिकॉशंस भी दी हुई हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। प्रिकॉशंस वो होती हैं जो कि एहतियाती तदाबीर होती हैं, ठीक है, और जो हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं। और इन्होंने कहा है कि कीप अवे फ्रॉम आइज़ एंड अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों की पहुँच से जो है ना ये आपने दूर रखनी है, ठीक हो गया जी। और इसका जो वेट है ना वो 100 ग्राम है, ठीक है, नेट वेट इसका। साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँगी। आपको पता है कि हमारे जो स्किन पे ना बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हमारी स्किन जो है ना कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनकी स्किन पे जो है वो एक्नी हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, स्किन नरिश नहीं होती है। और अगर उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल उनके कोई डार्क स्पॉट्स वगैरह कुछ भी ना हो, तो उनकी जो स्किन है ना वो ग्लोइंग नहीं होती है, शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो क्रीम है ना इसके साथ आपके ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। मैंने आपके साथ ब्यूटी चार्म्स की स्किन परफेक्ट क्रीम भी शेयर की है, ठीक है। वो क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि आप जो है ना डे टाइम में लगाएं, आपके चेहरे पे इतना ग्लो आता है ना, हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्या लगाया हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपके ब्यूटी चार्म्स की ब्यूटी क्रीम का जो है रिव्यू शेयर किया था, वो नाइट क्रीम है, नाइट टाइम आप लगाएँ। और आपको पता है कि अगर आपका फेस भी फेयर हो और शाइनी भी हो, लेकिन आपके हाथ में ब्लैक हो ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ साथ साथ कि आपके जो फेस का एरिया है ना वो आपके नेक के एरिया के साथ जो है ना बिल्कुल एसोसिएट होता है। और आपने जो है ना वो क्रीम जो पहले मैंने आपको रिव्यू दी थी, वो सारी की सारी आपने कैसे यूज़ करनी है वो भी आपको सारा बताया था। तो आपने जब भी जो है ना फेस पे क्रीम अप्लाई करनी है तो आपने साथ में नेक पे भी करनी है, क्योंकि आपके अगर फेस ग्लोइंग होगा, फेयर होगा और आपकी गर्दन काली होगी ना, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और यहाँ पर जी आपके साथ आज ये मैं आप शेयर करूँगी जी मैनीपैडी क्रीम, जो कि बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। इसके अंदर उन्होंने क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये मिरेकल क्रीम है, और इससे क्या होगा जनाब, इसमें विटामिंस भी उन्होंने ऐड किए हुए हैं जी, ए बी सी और ई।
फोर किस्म काइंड ऑफ वाइटामिन आर एडिड इन दिस क्रीम, और ये आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नरिश होगी, और जो इसमें उन्होंने वाइटामिन ऐड किए हुए हैं ना वो आपकी स्किन का ऊपर जो है बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल सा एक ग्लो लेकर आएंगे, और साथ ही साथ जी आपको जो फेयर कलर मिलेगा ना वो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप फायदा ब्यूटी क्रीम लगाते हैं या फिर आप गोल्डन पर्ल क्रीम लगाते हैं तो वो आपकी जो स्किन की वेंस होते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा थिन कर देता है, और आपके फेस पर जो है ना वो बाल वगैरह जो है ना वो ग्रो हो जाते हैं, और जबकि आप ये क्रीम यूज़ करेंगे तो आपके साथ ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आपकी स्किन की लेयर जैसी अगर हेल्दी है तो वो हेल्दी ही रहेगी, बिल्कुल भी थिन नहीं करेगी, आपके बिल्कुल भी जो है ना वैसे लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ लगाई है। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट ये क्या चीज़ की श्योरिटी देते हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। विजिबली फेड्स द अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स टू रिवील मोर इवन टोन्ड यंगर लुकिंग एंड फूड। इनफैक्ट जो है ना वो मुझे थोड़ा दूर से पढ़ना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है, तो ये आपके साथ मैं बता देती हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। सेकंड पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि आप जब भी इसको जो है डार्क स्पॉट्स पे, आप डार्क स्पॉट कौन कौन से हैं, आपके नकल्स हो सकती हैं, ठीक है, आप ये देखें कि ये जैसे हमारा हैंड है, ठीक है, इसकी ये वाली जो जगह है ना ये सारी की सारी जो है ना थोड़ी डार्क स्पॉट्स में होती हैं और डार्क एरिया होते हैं, ठीक है, नकल्स वगैरह हो गए। इस तरह से जो है ना आपका अगर हाथ बिल्कुल फेयर है और आपके नकल्स जो है ना वो डार्क है ना तो वो भी हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और बहुत अजीब अजीब सा लगता है। तो वो ये इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप ये लगाएंगे ना अपने हाथों और पैरों पे, आपको पता है पैरों की जो उंगलियाँ होती हैं वो भी थोड़ी ब्लैकिश जो है ना हों तो वो भी जो है ना बहुत ही बुरी लगती हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एक तो आपकी जो है ना स्किन बहुत ही यंग लगेगी और साथ ही साथ जो इससे इफ़ेक्ट्स होंगे ना वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे, एंड जो भी ये डार्क स्पॉट्स होंगे ना वो सारे के सारे फेड हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, मध्यम हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये जो नकल्स होते हैं ना ये बिल्कुल जो है ना वो वाइट हो जाएंगे। सही हो गया जी, और थर्ड पॉइंट पे वो क्या कह रहे हैं जी, एंटी रिंकल्स एंड फ्रिकल प्रोटेक्शन फॉर हेल्दी लुकिंग फेयरनेस डेड क्लोज, ठीक है, आपको पता है कि बहुत सी लड़कियों को बहुत सी औरतों को जो है ना वो फ्रिकल्स और साथ ही साथ झुर्रियों का इशू होता है, रिंकल्स होते हैं उनके फेस पे, तो ये फेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ हैंड एंड फुट के लिए जो है ना इसको यूज़ करें, आप लोग जो है ना इसे आप यूज़ कर सकते हैं जी फेस के लिए भी, ठीक है, रिंकल्स वगैरह ये ख़त्म करेगी और फ्रिकल्स वगैरह ख़त्म कर देगी, ठीक है, तो इतना कुछ अगर आपको इतनी ज़बरदस्त क्रीम में मिल रहा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है आप किसी और क्रीम का जो है इंतखाब करें, और यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं कि ये जो है ना ये श्योरिटी देते हैं कि 24 आवर्स तक आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। नंबर मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है ना इनके बारे में लिखा हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो होते हैं कि जो हमारी वीडियो के जो है ना वो टाइटल के बाद जो ऑप्शन होता है वो डिस्क्रिप्शन का होता है, ठीक है, आपने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन निकाल लेनी है, वहाँ पर जो है ना वो नंबर मेंशन होगा, मैंने 3 जो है ना व्लॉग्स आपके साथ जो शेयर किए हैं ना साथ ही साथ मैंने इनके नंबर्स भी अटैच कर दिए हैं, तो आप लोग जो है ना इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, अपना प्लेस ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, और यहाँ पर जी मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ, ये देखें जी इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है जी इसको अप्लाई करना। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, इसके अलावा ये क्या दावा कर रहे हैं, ये क्या चीज़ जो है ना इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि आपको ये वाली जो क्रीम है ना लगाने के बाद आपको एक तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगेगी, यंग लगेगी, और जो है ना ये आपको बहुत ही अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट देगी। साथ में जी ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, यानी कि ग्रीसी वो होती है कि जिसमें चिपचिपाहट होती है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, यानी कि इसमें कोई भी ऑयली वगैरह नहीं है। अच्छा जी, अगर हम इसके टेक्सचर के बारे में बात करते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक हो गया जी, और इसके अलावा जो है ना ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखेगी, और जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसके जो है ना वो बेनिफिट्स भी होंगे, और ये इस चीज़ को भी जो है ना श्योरिटी दे रहे हैं कि विद इन 5 डेज जो है ना आपको इसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है जनाब,
बाकी जो आप फार्मूला क्रीम्स लगाते हैं ये उन क्रीम से जो है ना बहुत ही बेटर है, ठीक है। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप जितनी देर मर्ज़ी लगाएं और बिल्कुल बेफिक्र होकर लगाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको ये लगाने के बाद जो है ना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर आपकी स्किन पे कोई जो है हेयर ग्रोथ हो जाएगी या फिर आपकी स्किन पे कोई एक्नी आ जाएगी, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। सारे सॉल्यूशंस का जो हल है ना वो ये क्रीम में है। आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप इसे हैंड और फुट पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। आपको पता बॉडी कौन सी, मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपोज एरिया फुल बॉडी पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोज एरिया जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है, हैंड्स और इसके अलावा आर्म्स हमारे, ठीक हो गया जी। लेग्स पे आप लगाएं, आप अपने पैरों पे लगाएं, इस तरह से जो ना ये सारे एक्सपोज्ड एरियाज़ पे जो है ना आप लगा सकते हैं। एक्सपोज्ड एरियाज़ जो होते हैं ना वो हमारे हैंड एंड फुट होते हैं और फेस होता है, ठीक है। बाकी आप फुली बॉडी पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है। फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए मैंने आपके साथ 3 क्रीम्स का रिव्यू शेयर किए हैं जो कि ब्यूटी चार्म्स की हैं और बिल्कुल परफेक्ट जो है ना ये आपको जो है रिज़ल्ट देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इसे छोड़ देंगे तो रिज़ल्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिज़ल्ट आपको जो है ना वो मेरी श्योरिटी है, मेरी गारंटी है। मैंने जो जहाँ से ये ऑर्डर की थी, ठीक है, मैंने उनका बहुत सरखाया और मैंने उनसे जो है ना एक एक पॉइंट पूछा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किया इसको लगाना कैसे, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ बता दी हैं और साथ ही साथ मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड किए गए हैं वो भी आपको बता दिए हैं। लगाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। इस जार को जो है हम ओपन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है, ग्रीसी है, नॉन ग्रीसी है, हार्ड है, किस तरह का है, ये सारा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, ये देखें जी, मैंने इसको ओपन किया है, इसका जो लिड है ना उसको मैंने रिमूव कर लिया है, साइड पे कर लिया, और यहाँ पर जी इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, ठीक है, ये हार्ड है, ठीक है, ये इस तरह नहीं होगा कि ये ऑयली नहीं है बिल्कुल भी या ये गिरेगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, हार्ड है, हार्ड टेक्स्चर में है। और आपने इसको जो है ना जो है फ्रिज में रखना है और ठंडी जगह पर रखना है, ठीक है, बाहर आपने इसको नहीं रखना। और बहुत ज़बरदस्त है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है, कोई भी हार्मफुल इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए गए, कोई केमिकल्स ऐड नहीं किए गए। बाकी जो क्रीम्स होती हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर जी ये आपके साथ मैं शेयर भी कर लेती हूँ। इस तरह से आपने इतनी क्वान्टिटी लेनी है, देन आपने इसको जो है ना अपने हाथ पर लगाना है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से देखें, आपने ये डॉट्स जो है ना इस तरह से टैप करने हैं अपने हैंड पे और फिर आपको आपने इसको जो है जेंटली मसाज कर लेना, जैसे आप दूसरी क्रीम्स को जो है मसाज करते हैं। बाकी क्रीम्स में देखें, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, बाकी क्रीम्स में ये होता है कि आपने जो है ना उनकी मोटी मोटी लेयर लगानी होती है, इसमें आपने मोटी लेयर नहीं लगानी, ठीक हो गया। और इसको आप जितना एब्जॉर्ब करेंगे स्किन में ये उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपको देगी। और फॉर मोर बेटर रिजल्ट्स यू हैव टू अप्लाई दिस क्रीम ट्वाइस अ डे इन, और फिर इसके बाद जो है ना इसका मीनिंग ये है, मैं आपके साथ बता देती हूँ जिन लोगों को इंग्लिश का नहीं पता या समझ नहीं आती। आपने अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए ना तो आपने डे में से 2 times जो है ना अप्लाई करना अपने स्किन पर, यानी कि आपने हाथों पर भी लगाना है, पैरों पर भी लगाना है और फेस पर लगाने के लिए स्किन परफेक्ट क्रीम आप डे टाइम में लगाएं और ब्यूटी चार्म्स की, और ब्यूटी चार्म्स की ही आप ब्यूटी क्रीम जो वाइटनिंग क्रीम है ना उसको आप नाइट टाइम में लगाएं तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, फुल बॉडी वाइटनिंग आपकी हो जाएगी, ठीक हो गया जी। इसके अलावा आप इसे लेग्स पर अप्लाई करें, आप अपनी बॉडी पार्ट्स पर भी अप्लाई करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलें जी, इसको अब हम जेंटली मसाज करते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि ये फील होगी लगी हुई कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप देख भी लें, इसको मैंने लगाया है, आप शाइन देखें, कोई फिल्टर वगैरह मैंने नहीं लगाया, यहाँ पर आप शाइन ईजिली जो है ना आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त शाइन आई है, आप देखें। और साथ ही साथ जो है ना स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है, और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि मेरे जो नकल्स हैं ना फिंगर्स के वो थोड़े डार्क हुए हुए हैं, सही हो गया जी। तो ये कुछ ही दिन में जो है फेड हो जाएंगे, फिर मैं आपके साथ इसके रिजल्ट्स जो है ना प्रॉपर शेयर करूँगी। बहुत ही यूट्यूब पे ये वाली क्रीम्स जो हैं वो वायरल हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं वायरल, सब ने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा भी रिव्यू दिया वो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये आप देख भी सकते हैं, मेरे इस हैंड का आप कलर देखें और मेरे इस हैंड का कलर देख लें, ठीक हो गया जी। और मैं आपके साथ जो है ना इस हैंड पे मैं राइट हैंड पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी, मैं लेफ़्ट हैंड पे मैंने आपको लगा के दिखाई है, तो मैं आपके साथ आफ्टर 8 days जो है ना लेफ़्ट हैंड पर ही लगा हुआ आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी, एंड यू विल बी अमेज्ड आफ्टर वॉचिंग द रिज़ल्ट, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना
इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और मैं तो आपको फुली रिकमेंड करूँगी। मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये वाली क्रीम लाजमी बाय कीजिएगा और फिर इसका फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा रिव्यू बहुत पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।